अभी तक मुझे जो भी चीज़ें लगने वाली है ट्रिप पे, तो उसके पहले सबसे पहले लिस्ट बनानी है। इसमें से मैंने अभी तक सिर्फ हेलमेट का सेटअप किया है। मैं घर पे आया हूँ और मैंने देखा कि अमेज़ॉन से एक पार्सल आया हुआ था, विच वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये ट्रिप के लिए। और वही क्या हाल चाल, तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज 1 अक्टूबर हो चुका है और मुझे बस 4 दिनों में निकलना है मेरे ट्रिप के लिए। ट्यूसडे मतलब जैसे 4 अक्टूबर की रात को मैं यहाँ से निकलने का मेरा प्लान है, ऑफिस का काम खत्म करने के बाद। बट अभी भी मैंने कुछ ज़्यादा प्लानिंग तो नहीं की है, सिर्फ मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन से सिटीज़ में जाना है, बट वहाँ पे क्या देखना है, क्या नहीं करना है और कैसे मैं जाऊँगा, वो सब अभी भी मुझे पूरा डिसाइड करना है। तो आज का दिन मैं वो सब चीज़ों करने में लगाने वाला हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर अदर थिंग्स जो मैं आप करने वाला हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या। जैसे कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि मैं एक टाइम बैग लेके जाने वाला हूँ, फिर सैडल स्टे लेके जाने वाला हूँ और उसके साथ साथ मेरा रक्सैक भी लेके जाना है। तो मैंने यहाँ पे जो नया टैंक बैग लिया था मैंने वो रख लिया है। इसके अंदर अभी तक 2 सैडल्स ठीक है, मतलब बैग्स है साइड में जो आएंगे, और मेरा ये रहा रक्सैक। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज ही मैं पैकिंग करना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि मंडे और ट्यूसडे मैं वर्किंग हूँ, मैंने उस दिन छुट्टी नहीं ले रखी है। तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट अगर मैं ये सैटरडे संडे पर नहीं निपटाता हूँ। तो प्लान ये है कि अभी तक मुझे जो भी चीज़ें लगने वाली है ट्रिप पे, तो उसके पहले सबसे पहले लिस्ट बनानी है और उसमें से जो भी अगर मिसिंग रहेगा कुछ भी, वो सब ला के रखना है आजकल के अंदर। फिर सेकेंड थिंग जो मुझे करनी है, दैट इज़ जो भी मैं शहर में जाने वाला हूँ वहाँ पे कौन सी जगह घूमने लायक है, वो सब का मुझे एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, प्लस होटल्स की बुकिंग भी करनी रहेगी। फिर लास्टली सबसे इम्पोर्टेंट, मुझे बाइक का एक और लास्ट चेकअप करना है। अगर कुछ भी लग रहा है बाइक में करवाना की ज़रूरत है, तो दैट आई नीड टू गेट इट फिक्स्ड आजकल के अंदर ही। अभी काम तो बहुत सारा है बट टाइम बहुत ही कम, तो चालू हो जाते हैं अभी सबसे पहले लिस्ट बनाने के लिए। ये रहा मेरा व्हाइट बोर्ड और उस पर मैं चालू करता हूँ पूरा लिस्ट नोट डाउन करने का कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है और क्या क्या करना है और क्या क्या चीज़ें मुझे सबसे पहले बाय चाहिए रहेगी मेरे लगेज के लिए और मेरे बाइक के हिसाब से, सो दैट मेरा ट्रैवल जो है सेफ भी रहे और मुझे मज़ा भी रहे। तो अभी लिस्ट तो मेरी रेडी हो चुकी है सॉर्ट ऑफ, मे बी इसमें अभी भी और कुछ मैं ऐड करूँगा नहीं करूँगा, मैं एक बार पे सब बनाई है। इसमें से मैंने अभी तक सिर्फ हेलमेट का सेटअप किया है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे चाहिए तो बता दूंगा फुर्सत में फोटो। तो अभी मैं सबसे पहले सोच रहा हूँ कि जाता हूँ पहले बाइक का जो मेरा क्रैश गार्ड के यहाँ पे ना, जब मैंने लास्ट टाइम KTM से सर्विस कराई थी तो एक नट बोल्ट गायब हो गया था, ऑल्दो मैंने उसका स्पेयर मंगा लिया था। सोच रहा हूँ कि वो लगवा ही लेता हूँ, सो दैट यू नो सेफ्टी रहेगा, गलती से गिर गई बाइक तो स्टडी रहना चाहिए वो करके, तो वो लगवा लेता हूँ। उसके बाद मुझे थोड़ा शूज़ में रिपेयर करवाना है मेरा, सो वो भी मैं शू रिपेयर के लिए भी दे देता हूँ और कपड़े इस्त्री को दे देते हैं, तो एटलीस्ट एक मेजर चंक ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ और क्या क्या करने वाला हूँ आगे। अभी मैंने बाइक का थोड़ा छोटा मोटा काम करा लिया, शू मैंने रिपेयर को दे रखे थे, अभी जाता हूँ पहले शू देख लेता हूँ। मैं बता देता हूँ बाइक में क्या चेंज करवाया। तो ये स्लाइडर था ना ये वाला, तो ये मैं गिर गया था पोटहोल की वजह से, तो यहाँ पे बहुत थोड़े स्क्रैचेस आ गए थे, तो आई थॉट कि रिप्लेस करवा ही लेते राइड के पहले। और अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो नट बोल्ट है वो निकल गए थे, तो ये मैंने वापस से पूरे लगवाए हैं। और मेरे यहाँ पे थोड़ा सा मतलब WD-40 लगवाया है, आई थिंक वो बटन थोड़ा बराबर नहीं काम कर, छोटे मोटे थोड़े बहुत फिक्सेस कराने थे जो अभी करा लिए, जाता हूँ अभी शूज ले लेता हूँ और फिर घर को। तो अभी आया हूँ, शू का मन थोड़ा सा आगे से सोल निकल रहा था, तो वही मैं बोला नया लेने से अच्छा तो उसका फिक्स इट 50-100 रुपये में हो जाएगा। अभी बोला कि उसको पॉलिश भी करवा देते हैं, तो ये अब जो लेके जाने हैं ट्रिप पे, तो वो बंदा अभी गया है पॉलिश कर देगा, फिर शूज़ लेके निकलते हैं यहाँ से। शूज़ का तो मैंने काम करा लिया था, अभी उसके बाद मैं घर पे आया हूँ और मैंने देखा कि अमेज़ॉन से एक पार्सल आया हुआ था, विच वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये ट्रिप के लिए, क्योंकि अभी लंबा डिस्टेंस है तो रह रहे के अपने को चेन क्लीन या लूप करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने मंगाया था जैक, एंड तो है नहीं, तो मैंने अभी वही चेक किया है, बराबर अच्छे से वेट सपोर्ट कर रहा है, इवन टायर कैन नाउ मूव फ्रीली, तो अच्छा हो गया फाइनली, ये एक अच्छी चीज़ आई है। मैं चाहिए तो इसका एक लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इफ़ एनीवन इज़ इंटरेस्टेड, किसके पास KTM है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, मोटो जैक करके नाम है इसका। तो अभी जाते हैं ऑफिस से ऊपर और बाकी का काम जो है वो निपटाते हैं आज के लिए।